गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लेसन 3rd पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम चैप्टर से आगे चलेंगे जिसमें आपको स्वास्थ्य शिक्षा पार्ट 1 और 2 3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य क्या होता है, उसका महत्व उपयोगी क्या होती है और भाग करने वाले कारण होता है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना है हमारा विद्यालय स्वास्थ्य सेवा में तो वह उद्देश्य है, तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का अर्थ छात्रों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी विद्यालय का मुख्य उत्तरदायित्व माना जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनके माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उनमें पाए जाने वाले दोषों से माता पिता को अवगत कराया जाता है ताकि समय रहते उन दोषों का उपचार किया जा सके। इन सेवाओं के अंतर्गत स्कूल के अन्य कर्मचारियों एवं अध्यापकों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है। इनके अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है तथा उन्हें सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षणों कारणों रोकथाम व बचाव के उपायों की जानकारी दी जाती है। विद्यालय में ऐसी सुविधाओं को विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं महत्व। आधुनिक युग में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत महत्ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से बच्चे और वयस्क अपने स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। आम जनता को ये सेवाएं सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य बच्चों में संक्रामक रोगों कुपोषण जैसी बीमारियों को ढूंढकर उनके माता पिता की सहायता से ठीक करना है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए डॉक्टर नर्स मनोवैज्ञानिक और स्कूलों के अध्यापक विशेष योगदान दे सकते हैं। ये सेवाएं न केवल छात्रों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है बल्कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित प्रकार से आवश्यक व महत्वपूर्ण है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं छात्रों के रोगों का पता लगाने और उनकी रोकथाम व बचाव से में सहायक होती है। ये संक्रामक व असंक्रामक रोगों के लक्षणों एवं कारणों की जानकारी देते हैं। इनमें से इन रोगों की रोकथाम व बचाव के उपाय करने में सहायता मिलती है। इन सेवाओं से छात्रों अध्यापकों व अन्य स्कूल कर्मचारियों के स्वास्थ्य के निरीक्षण में सहायता मिलती है। इनके माध्यम से रोगी बच्चों के उपचार में मदद मिलती है। ये अकस्मात दुर्घटना या रोगों के दौरान छात्रों की आपातकालीन सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम सिद्धांत है नियम। तो जो मैंने आपको 6th पॉइंट में बताया है विद्यालय संबंधी सेवाएं महत्व उद्देश्य है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम सिद्धांत व नियम। तो इनके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक बातें या सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की आयु और लिंग के अनुसार होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देने का तरीका साधारण और जानकारी से भरपूर होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, अभी तो उनकी प्राप्ति के बारे में कार्यक्रम बनाने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम लोगों या छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों या पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। मनुष्य का व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा गुण है। जिसमें उसकी रुचि ज़्यादा है वह उसे सीखने और करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कार्यक्रम बनाते समय बच्चों की उत्सुकता रुचियों और इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देते समय जीवन से संबंधित मुश्किलों पर भी वार्तालाप होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार बनाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के अच्छी आदतों को उत्साहित कर सके ताकि वे अपने सोचने के तरीकों को
बदल सके। नेक्स्ट आता है स्वस्थ शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को ग्रहण करने हेतु फिल्में, चार्ट, टीवी, रेडियो आदि माध्यमों के उपयोग द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पार्ट वन में। नेक्स्ट आता है स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम रुचिपूर्ण शिक्षा से भरपूर और मनोरंजन दायक होना चाहिए। स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय लोगों से प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह भाषा उनकी आयु और समझने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय संक्रामक असंक्रामक बीमारियों के बारे में तथा उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसका क्षेत्र विशाल होना चाहिए। स्वस्थ शिक्षा का कार्यक्रम लोगों की आंतरिक भावनाओं को जानकर ही बनाना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो स्वस्थ शिक्षा है वो उनकी आयु समझ और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को देखते हुए हमें स्वस्थ शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का या सिद्धांतों का या नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उनको अगर कुछ समझ नहीं आएगा या फिर वो उस पर रुचि नहीं दिखाएंगे तो उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो आज के लिए हमारा पार्ट फोर लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन पे चलने से पहले हम इसका टेस्ट लेंगे, तो इसकी अच्छे से तैयारी करें, जो समझ नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।